नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह के निर्देश पर जिले भर के फरारी, इनामी, बदमाशों और वारंटियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि 15 साल पुराने हत्या के प्रकरण में फरार 30,000 रुपए का इनामी बदमाश हथियार लिए हुए ग्राम पवाया सिंध नदी की तरफ देखा गया है। मुखबिर की सूचना से पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को अवगत कराया गया। उक्त सूचना पर SP ग्वालियर द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को थाना भीतरवार पुलिस बल की टीम बनाकर फरार इनामी को पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री निरंजन शर्मा और SDOP भीतरवार जितेंद्र नगाइच के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में थाना प्रभारी अतुल सिंह सोलंकी थाना बल की टीम के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर रवाना हुए और आरोपी को पकड़ा। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस से एक 315 बोर का लोडेड देसी कट्टा भी बरामद किया गया। पकड़े गए बदमाश के खिलाफ भीतरवार थाना पुलिस ने 25/27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण पंजीबद्ध कर जेल भेजने की कार्यवाही की है। पुलिस द्वारा उक्त नामी आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी अतुल सिंह सोलंकी, उपनिरीक्षक रमाकांत उपाध्याय, आरक्षक गौरव सिंगर, भूपेंद्र श्रीवास्तव, शिवराज धाकड़, धर्मेंद्र बघेल, दिनेश यादव, आरक्षक चालक सुनील पचौरी, सोनू शर्मा की सराहनीय भूमिका रही। हत्या के प्रयास तथा कई और भी अपराध थे, करीब 15 वर्षों से फरार था। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण को सूचना मिली थी कि पवाए तरफ से नदी तरफ देखा गया, जिसमें से श्रीमान द्वारा थाना प्रभारी दरबार श्री अतुल सिंह, उपन अधीक्षक रमाकांत उपाध्याय और टीम को बुला करके घेराबंदी की गई अपराधी की, और पवाया के सिंध नदी की जंगल से गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा 315 का दुकान में मिले, 30,000 का इनाम घोषित था। कहीं गंभीर अपराध इसके ऊपर है, हत्या और हत्या के प्रयास रूप जैसे गंभीर अपराध, करीब 15 वर्ष से फरार चल रहा है। सर, अपने पुलिस थाने के आसपास और अन्य थानों में, और ये थाना क्षेत्र के लगभग है इस पर अपराध, बाकी थानों के अपराध और काफी इसका है। इस पर 30,000 का इनाम घोषित है।